ये आप देख रहे हैं कि डीएसपी साहब मौके पर पहुंचे हैं, जो हमने आपको थोड़ी देर पहले करनाल के बहनी कला गांव के एक बैंक चोरी के मामले के बारे में बताया था। और आप देख सकते हैं कि फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है। और आप देख सकते हैं, हम आपको बताना चाहेंगे कि यहां से चोर दाखिल होते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक दीवार में बड़ा छेद कर दिया गया। ये आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह से दीवार में छेद कर कर वह पहुँचे हैं। और आप देख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग रूम का जो मेन दरवाज़ा था उसको भी तोड़ दिया गया। और आप देख सकते हैं कि पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची है और एफएसएल टीम जो है मौके पर साक्ष्य जुटाती हुई। ये आप देख सकते हैं जो स्ट्रॉन्ग रूम है उसको भी क्रैक कर दिया गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग रूम, जो एक सलाखों वाला रूम है, लोहे का रूम है, उसको भी तोड़ दिया गया है। पुलिस की टीमें, डीएसपी साहब मौके पर हैं। और आप देख सकते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग रूम की सलाखें हैं उसको भी काट कर चोर अंदर दाखिल हो जाते हैं। फोरेंसिक टीमें मौके पर पहुंची है, मामले की पूरी गहनता से छानबीन की जा रही है। तो आप देख सकते हैं फोरेंसिक एक्सपर्ट्स मौके पर हैं, मामले की छानबीन करते हुए नजर आ रहे हैं। लोहे का जो पूरा एक दरवाजा था उसकी सलाखों को काट दिया गया और जो मेन सेफ थी आप देख सकते हैं उसको भी काटने का प्रयास किया गया है, लेकिन वे असफल रहे हैं। ये तस्वीरें करनाल के बहनीकला गांव के कॉरपोरेशन बैंक की आप बैंक चोरी की देख रहे हैं, जहां पर पिछली रास्ते से चोर दाखिल होते हैं। जो स्ट्रॉन्ग रूम, लोहे के मेन दरवाजे हैं, फोरेंसिक एक्सपर्ट्स आप देख सकते हैं फिंगरप्रिंट्स चेक करते हुए नजर आ रहे हैं। आप ये देख सकते हैं कि पत्थर की सेफ है और पत्थर की सेफ को अंदर लोहा है और बाहर पत्थर बनाया गया है, ताकि इतनी मजबूती वाली सेफ को आसानी से ना तोड़ा जाए, लेकिन उसको भी तोड़ने की कोशिश की है। करनाल के बहनी कला गांव में कॉरपोरेशन बैंक है, जिसमें पिछली दीवार तोड़कर चोर दाखिल होते हैं। और आप देख सकते हैं कि लोहे का जो स्ट्रॉन्ग रूम है उसकी सलाखों को भी काट दिया जाता है, चोर यहाँ से दाखिल होते हैं। और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स आप देख सकते हैं कि फिंगरप्रिंट्स लेते हुए नजर आ रहे हैं। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि कितनी मजबूत सेफ है गोदरेज कंपनी की, उसको भी काटने का, उसको भी तोड़ने का प्रयास किया जाता है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स पहुंचे हुए हैं और किसी भी चीज़ को हाथ ना लगाए उनको चेक करते हुए नजर आ रहे हैं। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। तो ये तस्वीरें आपने बैंक की देखी, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि करनाल पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची है मामले की छानबीन करते हुए। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि खुद डीएसपी साहब भी मौके पर हैं। और आप तस्वीरें देख रहे हैं कि डीएसपी करनाल जो है उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के बहनी कला गाँव के कॉरपोरेशन बैंक की, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि दीवार को तोड़कर किस तरह से वह दाखिल होते हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे, आप ये सीसीटीवी कैमरे देख सकते हैं जिनको तोड़ दिया जाता है, सीसीटीवी कैमरों को भी तोड़ दिया जाता है। ये तस्वीरें समय आप लाइव देख सकते हैं कि किस तरह से उस दीवार में छेद कर कर चोर यहां से दाखिल होते हैं। और लाइव तस्वीरें आपने स्ट्रॉन्ग रूम की देखी, जहां पर किस तरह से चोर अंदर दाखिल होते हैं। बैंक के अंदर की आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि ये आप ये देख रहे हैं जो ये स्ट्रॉन्ग रूम है, आप ये देख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग रूम का जो एक मेन लकड़ वाला दरवाजा है उसको भी पहले तोड़ दिया जाता है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि पुलिस की टीम जहां अंदर पहुंची हुई है और किस तरह से सबूत जुटाने की कोशिश की जा रही है। तो ये तस्वीरें समय आप देख रहे हैं करनाल के बैंक की, बहनीकला गांव के बैंक की, जहां पर आपने देखा कि दीवार में छेद कर कर इस स्ट्रॉन्ग रूम को कितने तरीके से तोड़ा जाता है, लेकिन उस सेफ को वह तोड़ पाने में नाकामयाब हुए। हम आपको बाहर लेकर चलते हैं और डीएसपी करनाल यहां पहुंचे हुए हैं, उनसे भी जो है बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आप ये तस्वीरें देख रहे थे करनाल के बहनीकला गाँव में, जहाँ पर चोरों ने यह सेंधमारी की है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि डीएसपी साहब यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और किस तरह से एक बड़ी चोरी की घटना करनाल के कॉरपोरेशन बैंक, जो बहनीकला गांव में पड़ता है, वहां पर इस वारदात को अंजाम देने की कोशिश की गई है, लेकिन जो मेन सेफ है उसको तोड़ पाने में नाकामयाब हुए हैं। डीएसपी साहब क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या कुछ जानकारी मिली है, कहां पर बैंक है और हालांकि चोरी अटेम्प्ट किया गया है, कामयाब नहीं हो पाए? हाँ, अभी तो यही पता चला है कि जो कोशिश करी है उन्होंने, पर वारदात कर नहीं सके। तोड़फोड़ तो हुई है,
बाकी नुकसान नहीं हुआ अभी। मैंने कैसे दाखिल हुए सर? दाखिल तो ये ताला टूटा है और बैक साइड से जो उन्होंने दीवार को सीध लाई है। हाँ जी, तो कहाँ पर पता है बैंक की? हाँ जी, कौन सा बैंक है सर? ये कॉरपोरेशन बैंक है, ये गांव बैनिकल। तो कार्रवाई की जा रही है, केस रजिस्टर? हाँ बिल्कुल, केस रजिस्टर कर दिया है और CIA भी मौके पे है, सभी टीमें गठित कर दी है और जल्दी से जल्दी इसको हम ट्रेस करें। तो आप देख सकते हैं कि DSP साहब मौके पर हैं और जिस तरह से उनका कहना है कि जल्द से जल्दी इसको ट्रेस किया जाएगा। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स मौके की छानबीन करते हुए, आप इस समय लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि फोरेंसिक टीमें, CIA की टीमें, तो आप देख सकते हैं कि फोरेंसिक एक्सपर्ट्स हों, CIA की टीमें हों, तमाम पुलिस की टीमें हों, मौके पर पहुंची हुई है। मामले की पूरी गहनता से जो है छानबीन की जा रही है। ये करनाल के कॉरपोरेशन बैंक की तस्वीरें हैं और हमने आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग रूम की तस्वीरें दिखाई कि किस तरह से आपने देखा कि स्ट्रॉन्ग रूम की जो मेन सलाखें हैं उसको भी काट दिया जाता है, उसको भी तोड़ दिया जाता है। तो हम चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस खबर को शेयर करें। जो ये तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं करनाल के भैनीकला गाँव के कॉरपोरेशन बैंक की हैं, जहाँ पर चोर पिछली दीवार फांद कर जो है दाखिल होते हैं और किस तरह से सेंधमारी कर फरार हो जाते हैं। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।